हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, इस टाइप का पेंटिंग आप बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेरे इंस्टाग्राम पे कि दीदी की इस टाइप का पेंटिंग आप किस तरह से बनाते हो मुझे दिखाओ। सो गाइस, मैंने सोचा कि चलो आज के इस मां सरस्वती वाला पेंटिंग को ही दिखा देते हैं कि किस तरह से बना। सो लेट्स सी। सो गाइस, इस टाइप के पेंटिंग के लिए यानी कि वाटर कलर के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ जैन संगम के जो गुआश पेपर है, गुआश नहीं मिक्स मीडिया पेपर है, इसके ऊपर आप और भी मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड गाइस, हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि मेरे काम आप फॉलो करते रहो एंड इस टाइप से काम करते रहो। सो ऐसा ही बात है, जस्ट देखते रहो एंड फॉलो करते रहो एंड कुछ कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी, वो जस्ट सुनते रहो एंड देखते भी रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं माँ सरस्वती का ड्रेस के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल करूँ एंड देखो मुझे जहाँ पर डार्क शेड की ज़रूरत है वहाँ पर मैं गीला भाव रहते ही थोड़ा थोड़ा डार्क अप्लाई कर दूँ। एंड इसके बाद आप पूरा ड्रेस यानी कि साड़ी को फॉलो करना कि मैं किस तरह से साड़ी के ऊपर शेडिंग एंड जहाँ पर जो भाज है वहाँ पर मैं किस तरह से जो इफेक्ट लाइट इफेक्ट किस तरह से अप्लाई करूँ, जस्ट फॉलो करते रहो। स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम ही ब्लैक इस्तेमाल कर देते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, जैसा मैं करूँ आप देखते रहो, जस्ट कुछ लाइट कलर्स आपको स्टार्ट करना है। एंड गाइस, मैं तो सोचा कि क्रिएटिव पेंटिंग बनाऊंगी एंड इसके लिए मैं पेन का इस्तेमाल करूंगी जो कि बहुत रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन था। एंड यहाँ पर मैं माइक्रोन लक्सर एंड कुछ लोकल पेन एंड एटलीस्ट जो टॉम्बो के फोटोनस को कैलियोग्राफी पेन है उसका इस्तेमाल करूंगी। सो मैं मुझे तो हैचिंग यानी कि वाटर कलर के ऊपर पेन से हैचिंग का इस्तेमाल बहुत अच्छा लगता है, तो इसी टाइप से मैं अप्लाई करूँ। एंड आपको शेडिंग करते करते डार्क लाइट एरिया को निकालना है, कुछ आप इस टाइप से पिंक कलर का अप्लाई करो, इस टाइप से आप वैराइटीज कलर का अप्लाई करके आपका पेंटिंग को क्रिएटिव बनाओ। तो चलो आप ब्लैक से कुछ डिटेल काम करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। अब मैं पेंटिंग का टोटल पेंटिंग का जो क्रिएटिव पार्ट है उसको ड्रॉ करूँगी। इसको आप आपके टाइप से ड्रॉ करना, किसी का कॉपी मत करना, मैं जैसा सजेस्ट के टाइप से मैं एक काम करके आपको दिखा रही हूँ एंड इसी टाइप से आप भी कुछ क्रिएटिव आइडिया निकालना एंड आप करना, ठीक है। तो गाइस, फाइनल वर्क कुछ इस तरफ से हुआ। सो मैंने सोचा कि अगर उसको दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी। एंड देखो गाइस, पेन का डिटेलिंग कितना धीरे धीरे मैंने बना। एंड इस टाइप से आप भी ट्राई करो एंड खुद का कुछ क्रिएटिविटी आपके पेंटिंग में डालो, ठीक है, किसी का कॉपी नहीं करना। सो गाइस, वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।